नमस्कार, हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। सुंदरनगर में फंदे पर झूली छात्रा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगी कारणों का खुलासा। सुंदरनगर उपमंडल के हराबाग में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 साल की छात्रा के फंदे पर झूलकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। इसकी सूचना मिलते ही सलापड़ पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कटोच अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सारे तथ्य जुटाए। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। ऊना के सिंगा गांव में कुएं से मिले टिफिन बम, पंजाब धमाकों से जुड़ रहे तार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल में सिंगा गांव में टिफिन बम मिले हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई में टिफिन बम कुएं से बरामद किए गए हैं। हाल में पंजाब में हुए बम धमाकों की जाँच के सिलसिले में कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हुए पंजाब पुलिस सिंगा गांव पहुंची है। गांव के दो युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। कुएं से टिफिन बम को बाहर निकाल लिया गया है। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। एसपी ऊना अर्जित सेन व बनगढ़ बटालियन के कमांडेंट विमुक्त रंजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। मामले में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। पंजाब पुलिस इस मामले को गंभीर बताते हुए कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। सुबह 5 बजे से मौके पर पंजाब पुलिस जुटी हुई है। ले जाने को बाइक नसीब नहीं हुई तो किया ये काम और उड़ी हौसलों की उड़ान। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये शब्द पश्चिम बंगाल के हुबली निवासी 26 वर्षीय मलिंद कुमार मांझी पर स्टीक बैठते हैं। बचपन में लेह लद्दाख और खारदुंगला बाइक पर आने का मन था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी कि बहन नहीं तो क्या पुरानी बाइक भी नहीं खरीद पाया। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और पैदल ही लेह लद्दाख को निकल पड़ा और आज उसका सपना साकार होने भी वाला है। मांझी ने 22 फरवरी को हुबली से पैदल यात्रा शुरू की और 60वें दिन 1800 किलोमीटर का सफर तय कर वह सुंदरनगर पहुंचा। मलिंद मांझी ने बताया, उसने ग्रेजुएशन करने के बाद मैकेनिक का शॉर्ट टर्म कोर्स किया। इसके बाद उसने एक कंपनी में नौकरी की, लेकिन कंपनी बंद होने के चलते उसे अपने पिता के साथ चाय की छोटी सी दुकान में काम करना पड़ रहा है। धर्मशाला कॉलेज के बी बॉक छात्रों का कमाल, मिला बेहतरीन इंसेंटिव और जॉब ऑफर। पीजी कॉलेज धर्मशाला के बी बॉक छात्रों को इंसेंटिव और जॉब ऑफर मिले हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय धर्मशाला में बी बॉक प्रोफेशनल 3 साल की डिग्री है। इसके तहत पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का अवसर मिलता है। डिग्री उत्तीर्ण करने पर प्लेसमेंट मुहैया करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि बी बॉक फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने 2018 से लेकर 2022 तक प्लेसमेंट में बाजी मारी है। फाइनल ईयर के अधिकांश विद्यार्थियों की प्लेसमेंट के ऑफर मिले हैं। होशियारपुर के टांडा में भिड़े दो गुट, एक की मौत, 4 लोग घायल। टांडा निर्वाचन क्षेत्र के फतेहकुल्ला गांव में गुजरों के 2 गुटों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। होशियारपुर के सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। उधर थाना अध्यक्ष ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी अभी भी फरार है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।